Everyone, assalamu alaikum, namaste, sat sri akal, welcome back to my another video and I hope you all are doing great. So dosto, aaj hum jo video dekh rahe hain, ye video basically Pakistan aur India ke accordingly hai aur isme Pakistan ki jo media hai wo ye kehti hai ki 5 saal tak jo hai, matlab 100 saal tak पाकिस्तान जो है वो इंडिया से दुश्मनी पाल कर नहीं रख सकता, सो लिहाजा पाकिस्तान को इंडिया के साथ हाथ बढ़ाना पड़ेगा और उनके साथ दोस्ती रखनी पड़ेगी। तो इससे रिलेटेड हम देखेंगे कि क्या अहम बातें की गई हैं इस वीडियो के थ्रू। सो चलते हैं बिना देरी किए इस वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। एक तो बात यह है कि पाकिस्तान की का एक बड़ा, आप समझें कि इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में एक बड़ा डायनेमिक शिफ्ट है कि हम इंडिया के साथ अगले 100 साल तक अपना कोई जंग नहीं चाहते। ठीक है, हम 100 साल तक इंडिया के साथ जंग नहीं चाहते, बल्कि हमारी मुकम्मल तवज्जो जो है वो जियो इकोनॉमिक्स पे होगी, ताल्लुकात की बेहतरी पे होगी, तिजारत पे होगी, इन चीजों पे होगी और जंग नहीं होगी इंडिया के साथ। पाकिस्तान इंडिया के साथ 100 साल तक दुश्मनी नहीं रख सकता, हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी होगी, लिहाजा पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने जा रहा है। कि क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये कुछ शिफ्ट तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की बात नहीं कर रहा व्हेन इट कम्स टू इंगेजिंग और इन दिस ट्रिप ऑफ शाह महमूद कुरैशी टू यूरोप। अच्छा, वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो कहाँ पे बनी है, कैसे बनी है, वो अब मैंने आज कुछ लोगों से बात की जो हमारे दिफाई तजिया कार हैं, तो वो अवेलेबल नहीं थे या इस पर बात करने को भी तैयार नहीं है। हमने सरेंडर ही करना सीखा है और कभी जीतना नहीं सीखा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान भले ही भारत में आतंकियों के जरिए घुसपैठ करवाने से बाज नहीं आ रहा, लेकिन उसने अपनी नई सुरक्षा नीति में 100 साल तक शांतिपूर्ण रिश्तों की बात कही है। पाकिस्तान को आखिर घुटनों पर आना ही पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत खराब चल रहे हैं और पाकिस्तान सरकार का ये मानना है कि भारत से रिश्ते सुधारे बिना उनका गुजारा नहीं है। नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में पाकिस्तान ने भारत के साथ अगले 100 साल तक शांतिपूर्ण रिश्तों, सामान्य कारोबार और मजबूत आर्थिक संबंधों की बात कही है। इमरान खान शुक्रवार को इस पॉलिसी ड्राफ्ट को रिलीज करने वाला है। यही नहीं, इस नीति के तहत जम्मू कश्मीर की समस्या के हल की भी बात नहीं कही गई। पॉलिसी में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत के साथ हमारी वार्ता चल रही है और हमारे रिश्ते बेहतर होने जा रहे हैं। अगले चंद रोज जो है वो थोड़े से आप समझें कि एक नया इशू पाकिस्तान में और भारत में बड़े लेवल पे जेरे बहस आने वाला है, और वो जो इशू है, वो जो जेरे बहस आने वाला है, वो ये है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जिसके 100 सफात जो हैं वो गालिबन वजीर आजम साहब कल क्लासिफाई कर देंगे, यानी पब्लिक के सामने आ जाएंगे। अच्छा, वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो कहाँ पे बनी है, कैसे बनी है, वो अब मैंने आज कुछ लोगों से बात की जो हमारे दिफाई तजिया कार हैं, तो वो अवेलेबल नहीं थे या इस पर बात करने को भी तैयार नहीं है, और वो सब बात इस पर छिड़ेगी जब ये मामला कल सामने आएगा। लेकिन ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, इसके ऊपर कुछ बातें ऐसी हैं जो कि जिनके ऊपर बहस छिड़ेगी, और उसकी वजह जो है वो ये है कि इंडिया में जो इंडियन मीडिया है और पाकिस्तान का भी मीडिया के कुछ हिस्से जो हैं, मिसाल के तौर पे जैसे ट्रिब्यून ने इसका कुछ हिस्सा छापा है जो 20वीं स्लाइड है कि पाकिस्तान न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी सीक्स पीस इंडिया, पाकिस्तान बिल्कुल अमन चाहता है और ये बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर ये अमन की बात लिखे। लेकिन यहां पर स्लाइड को रोकिएगा, यहां रोक दें, बस इधर रोकिएगा। अच्छा, इशू अब यह है कि जो नई दिल्ली में बताया जा रहा है, जो लीक पॉलिसी लीक हुई है और सारा कुछ मामला सामने आ रहा है, वो यह है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में लिखा गया है कि पाकिस्तान अगले 100 साल तक भारत के साथ
जंग नहीं चाहता, हॉस्टिलिटी नहीं चाहता। अच्छा, अब ये जो है इसकी ये इंटरेस्टिंग है, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ पाकिस्तान बढ़ना चाहता है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हम भी चाहते हैं जियो इकोनॉमिक्स की तरफ पाकिस्तान बढ़े। सवाल ये कि 100 साल तक पाकिस्तान इसमें कह रहा है कि हम इंडिया से झगड़ा नहीं चाहते और हम जो है वो जाना चाह रहे हैं जियो इकोनॉमिक्स की तरफ। अच्छा, और इसमें जो है वो इसको इंडियन मीडिया इस तरह से भी रीड कर रहा है कि पाकिस्तान ने कोई ताल्लुकात अपने बहाल करने के लिए इंडिया के साथ जियो इकोनॉमिक्स पे जाने के लिए कश्मीर की गुफ्तगू को प्री कंडीशन नहीं रखा, यानी कश्मीर का मामला चलता रहेगा, वो सारा है, लेकिन उसके उससे हटके भी हम अपनी जियो इकोनॉमिक्स बेहतर करना चाहते हैं। तो ये कल एक आएगा, पाकिस्तान के 100 सफात आएंगे, जो जो वजीर आजम साहब ने कहा था कि हम 100 उसके सफ़े लीक कर देंगे, इंडिया में पहले लीक हो गए। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो वहाँ पर इसके साथ ही एक तो बात ये है कि पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की का एक बड़ा, आप समझें कि इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में एक बड़ा डायनेमिक शिफ्ट है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ, ये जो नई सिक्योरिटी पॉलिसी कल आ रही है, अब इस पर बहस होगी ना, हम भी करेंगे, बाकी चैनल्स भी करेंगे, मीडिया करेगा, डिफेंस एनालिस्ट इस पर बात करेंगे, सारे लोग बात करेंगे कि हम इंडिया के साथ अगले 100 साल तक अपना कोई जंग नहीं चाहते जी। ठीक है, हम 100 साल तक इंडिया के साथ जंग नहीं चाहते, बल्कि हमारी मुकम्मल तवज्जो जो है वो जियो इकोनॉमिक्स पे होगी, ताल्लुकात की बेहतरी पे होगी, तिजारत पे होगी, इन चीजों पे होगी और जंग नहीं होगी इंडिया के। क्या पाकिस्तान भारत से दोस्ती करने जा रहा है? अगर दोस्ती करने जा रहा है तो कश्मीर का क्या बनेगा, या फिर क्या कश्मीर का सौदा हो चुका है? देखिए, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर खबर छपी हुई है, खबर के अंदर लिखा गया है न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी सीक्स पीस विद इंडिया, के नई जो सिक्योरिटी पॉलिसी आ रही है जिसे जुम्मे के रोज वजीर आजम इमरान खान साहब कौम के सामने रखने जा रहे हैं। रियासत पाकिस्तान की यह नई सिक्योरिटी पॉलिसी है, 100 पेजों की यह पॉलिसी है, इसके अंदर यह लिखा गया है कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, अमन और माशी ताल्लुकात रखना चाहता है, और इसमें इंडिया भी है। पाकिस्तान इंडिया के साथ 100 साल तक दुश्मनी नहीं रख सकता, हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी होगी, लिहाजा पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने जा रहा है। लेकिन अहम नुक्ता, सबसे अहम नुक्ता, क्या कश्मीर का सौदा हो चुका है, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या डिस्प्यूट है? देखिए, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती की बात की जाए तो हर बंदा इसके हक में है, हर बंदा इसके हक में है। देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक जैसे लोग, एक जैसी जबान, सबसे बड़ा बैरियर जबान हुआ करती है, लेकिन आप हिंदुस्तान के किसी आखिरी कोने में चले जाएं और पाकिस्तान के किसी आखिरी कोने में चले जाएं तो कोई पहचान नहीं सकेगा कौन इंडियन है कौन पाकिस्तानी है। जबानें समझती हैं, कपड़े एक जैसे पहनती हैं, कल्चर तकरीबन एक जैसा है, और कल तक इकट्ठे थे, अब डिवाइड आ गया 47 में, एक पाकिस्तान बन गया, एक हिंदुस्तान बन गया और एक बाद में बांग्लादेश बन गया, ये बात समझ में आती है। एक जैसे लोग हैं, एक जैसी आदात है, एक जैसे ड्रामे फिल्में, सब कुछ एक जैसा है। इसके बरक्स चाइना कुछ भी एक जैसा नहीं है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, वो रोमानिया और स्पेन को विजिट कर रहे हैं आजकल, और मेरा ख्याल है स्पेन से वापस आने वाले हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और मैंने इसको बड़ा डेलिब्रेटली उनकी प्रेस रिलीजेस को सर्च किया, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैंने वो सुनी रोमानिया में और स्पेन में, और मैंने ये ढूंढने की कोशिश की कि क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये कुछ शिफ्ट तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की बात नहीं कर रहा। सो दोस्तों, ये वीडियो है जिसमें बात की गई है पाकिस्तान 100 साल तक अपनी दुश्मनी नहीं रख सकता इंडिया के साथ या किसी और कंट्री के साथ। तो इमरान खान भी कह रहे हैं कि मैं जो हूँ, मतलब इमरान खान अभी बात करने वाले हैं कि हम जो हैं वो 100 साल तक नहीं रखना चाहते दुश्मनी इंडिया के साथ। तो मुझे ये लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंडिया के साथ दुश्मनी रखना या फिर अपने किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ
दुश्मनी रखना कोई समझदारी की बात नहीं है। दुश्मनी होती है, एक हद तक होती है। जब हम, चलो देखो, जुबान को अगर हम अलग एक साइड पे रख लेते हैं, हर चीज को एक साइड पर रखते हैं, उसके बाद भी अगर हम बात सोचें तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या निकलता है कि हम अपनी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को खराब कर रहे हैं उस कंट्री के साथ जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। और हर चीज को एक तरीके से लेकर चलना होता है, किसी भी चीज के पीछे नहीं पड़ जाना होता। और जहां तक इमरान खान की बात है, तो इमरान खान जब से आए हैं इंडिया के साथ, पाकिस्तान के रिलेशन और ज्यादा मजीद बिगड़े हैं बजाय इसके कि वो सही हो। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा फैसला हो जाएगा कि वो अगर इस बात पे कायम हो जाए और आकर ये बात कह दें कि हम मजीद दुश्मनी नहीं रख सकते भारत के साथ या फिर पड़ोसी हमसाया कंट्रीज के साथ। वजह क्या है? हम अपनी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम अपने मामलात को डिस्टर्ब कर रहे हैं, यहाँ पर आना जाना बंद हुआ हुआ है, लोग वहां के यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ के वहां नहीं जा सकते। तो इससे बड़े बड़ी बात क्या हो सकती है कि इतना बड़ा तो कोई इश्यू भी नहीं है कि इस तरह के मामलात हो जाएं। चाइना को देख लें, चाइना के साथ इंडिया के कितने मामलात खराब हैं, लेकिन फिर भी चाइना के साथ उन लोगों के रिलेशंस तो बिल्कुल ठीक है। मतलब वहां पर तो बिजनेस चल रहा है, इकोनॉमी, कली सिस्टम सब कुछ ऑन है। तो इश्यू कहाँ पर आ रहा है? इश्यू यहीं पर आ रहा है कि ये लोग जो हैं वो लोग अपनी इकोनॉमी को देख रहे हैं, लॉस नहीं जाना चाहता उनका, होना नहीं चाहते, वो करना नहीं चाहते, लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि उनके जो सिस्टम है वो बेहतर हो। और लड़ाई अपनी जगह है, उसको उन्होंने भरपूर बिल्कुल 100% रखा हुआ, लेकिन दूसरे साइड पे उन्होंने इकोनॉमिकली सिस्टम को भी बूस्ट कर रहे हैं, वो उसको रोक के नहीं बैठे हुए। मुझे लगता है कि ये इस तरह से ही होता है। अगर आपको अपना कंट्री चलाना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज तो यही होती है कि आप अपनी कंट्री को जो है वो आगे लेकर चले और उसको जितना हो सके पॉसिबल हो उस कंट्री को आगे बढ़ावा दें, बजाय इसके कि आप उसको मतलब कि अपनी आवाम को हर्ट करें। महंगाई, जाहिर सी बात है, कर्ज पे कर्ज हम उठा रहे हैं, तो वो अब कर्ज तो मुआवजा भी ही होता है। जब मुआवजा हम कर रहे हैं तो हमें पैसे तो उनसे लेने हैं, तो जाहिर बात है उनके मुआवजों को भी तो एक्सेप्ट करना है ना। तो बस यही चीजें होती है कि हमें उनके मुआहदों को भी एक्सेप्ट करना है, फिर एक्सेप्ट करेंगे तो वो फिर अब जो बोले उनकी डिमांड को पूरा भी करना है। अब जाहिर सी बात है कि लोग कहते हैं कि इकोनॉमिकली सिस्टम को बूस्ट, पाकिस्तान में महंगाई हो जाए और हर महीने के महीने महंगाई हो 10-7%, 5% कुछ इस तरह से। तो जाहिर सी बात है, ये सफर कौन कर रहा है? हमारी आवाम कर रही है, हमारी पब्लिक कर रही है। मतलब कि एक टाइम पर जो चीज 200 रुपए की आती थी, आज वो 300 रुपए की आ रही है। यार बात तो ये है ना कि 300, 350, 400 में आती है, तो 150 रुपए का जो ऑयल मिला करता था, कुकिंग ऑयल, आज वो 400 समथिंग का मिलता है। मतलब इससे बड़ी क्या बात होगी अफसोस की कि हमारे यहाँ पर इतनी महंगाई हो गई है। और खैर, मैं यही कहूंगी कि देखो, इमरान खान ने बहुत अच्छा फैसला ले रहे हैं, अगर ये फैसला कर रहे हैं, देर सही पर कोई बात नहीं, फैसला लेना बहुत जरूरी है और इससे काफी बूस्ट मिलेगा और अच्छा हो जाएगा। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, एक चीज मैं लास्ट में जरूर कहूंगी कि इन्होंने कहा कि हमारे रंग, नस्ल, हर चीज सब कुछ सेम सेम है इंडिया के साथ, सिर्फ बंटवारे की वजह से हम अलग हो गए। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो चाइना से हमारा कोई इस तरह का ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमने उनसे बना के रखी हुई है। लेकिन हमारा जिनसे अच्छा ताल्लुक है, हमने उनसे ही बिगाड़ के रखी हुई है। इससे बड़ा अलमिया और क्या होगा कि हम लोग अपने पड़ोसी मुल्क जिससे हम इतने सिमिलर हैं उनसे ही हमने बिगाड़ी हुई है। तो खैर, समझदार के लिए इशारा काफी है। आई होप कि इमरान खान इस चीज पर फैसला करेंगे और सोच समझ कर इशारा करेंगे। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।